नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं। दोस्तों, 1832 में भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीन पद बनाए गए और उनका इन्हीं पदों पर नियुक्ति किया जाना तय किया गया। इससे पहले ब्रिटिश राज में केवल अंग्रेज व्यक्ति ही इन पदों पर नियुक्त हो सकते थे। 1833 में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाना शुरू किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। दोस्तों, 1863 में पहली बार सत्येंद्रनाथ का चयन सिविल सेवा के लिए किया गया और वे ट्रेनिंग के लिए लंदन गए और नवंबर 1864 में वापस आए। दोस्तों, सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के डिप्टी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर कार्य किया और 1865 में वे बने भारत के पहले IAS। दोस्तों, सत्येंद्रनाथ 30 वर्षों तक सिविल सेवा में रहे और उस समय कलेक्टर का मुख्य कार्य जो होता था वो था टैक्स की उगाही करना। वे 1896 में महाराष्ट्र के सतारा से जज पद से रिटायर हुए। दोस्तों, सत्येंद्रनाथ एक बहुभाषाविद, गीतकार और एक महान लेखक थे। दोस्तों, वे महान राइटर श्री रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। दोस्तों, सत्येंद्रनाथ का जन्म 1 जून 1942 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था एवं उनका देहांत 9 जनवरी 1923 को हुआ था। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी बोली में भले ही पीछे हो लेकिन अपने कर्मों में सदैव आगे रहता है। दोस्तों, आपकी मुस्कुराहट आपके परिवार को खुशी देती है, सो प्लीज़ स्माइल और मास्क पहनिए। जय हिंद।